नमस्कार, मैं गीता रावत गाफिल आपके सामने कुछ समसामयिक मुद्दों पर अपनी कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इस बार दशहरे पर। इस बार दशहरे पर मार पाए क्या तुम अपने मन के रावण को, या कुछ चिंगारियां जली छोड़ आए हो फिर से सुलगने को राख के ढेर में, फिर से सैकड़ों रावण पैदा होने के लिए क्या लौटा लाए हो सीता के सतीत्व पर राम के विश्वास को, फिर से विभूषित कर पाए क्या समाज संस्कृति कुल मर्यादा के बीच नारी के दमित एहसास को, मेले की उस जानी अनजानी भीड़ में क्या पाया क्या छोड़ आए, क्या खोया क्या जोड़ लाए, सत्य पर विश्वास लाने को कहा था क्या मेरे लिए लाए, या मेले की भीड़ में भूल आए, या इस बार फिर से सिर्फ एक पुतला जला आए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है राजनीति फुटपाथ पर। देश की फुटपाथ पर बैठी जनता भी, देश की फुटपाथ पर बैठी जनता भी रोटी कपड़ा मकान छोड़कर सरहद संसद मंदिर मस्जिद दोहराने लगे तो समझना चाहिए दिलों में देशभक्ति नहीं, दिलों में देशभक्ति नहीं वरन फुटपाथ पर राजनीति आ गई है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरे घर भी एक आईना हो। तो आईना मेरा एक प्रिय विषय रहा है, क्योंकि खुद आईना देखना, दूसरों को दिखाना, ये सभी लोग आईना देखते रहे और आईना साफ रहे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। और शुरू करते हैं। मेरे घर भी एक आईना हो, मेरे घर भी एक आईना हो, भले ही मेरे चेहरे पर कालिख न पुती हो, भले ही मेरे चेहरे पर कालिख न पुती हो, भले ही मैं न हूं सरकार समाज का अपराधी, फिर भी मैं कभी कभार अपने विकृत होते चेहरे को देख सकूं, सुधार सकूं अपनी क्षणिक मनोविकृति को, सुधार सकूं अपनी क्षणिक मनोविकृति को, एक अनुशासन कुछ कानूनी धाराएं मेरे मन की भी हो, एक अनुशासन कुछ कानूनी धाराएं मेरे मन की भी हो, जरूरी नहीं है कि हर बार हम जरूरी नहीं है कि हम हर बार समाज सरकार को ही दोषी ठहराते हुए अपना कंधा झाड़ लें, कभी न कभी तो गैर जिम्मेदारी कंधे से ऊपर गला भी पकड़ेंगी। क्या ना, मेरी अगली कविता का शीर्षक है लोकतंत्र बनाम भेड़ तंत्र। हर बार बहुमत को सत्य बताने वाला, हर बार बहुमत को सत्य बताने वाला लोकतंत्र भेड़ तंत्र कहलाएगा। हर बार बहुमत को सत्य बताने वाला लोकतंत्र भेड़ तंत्र कहलाएगा, जहाँ भेड़े हाँकी जाएंगी, जहाँ भेड़े हाँकी जाएंगी, जिसकी भेड़ें ज्यादा होंगी वो कुर्सी ले जाएगा, सबसे ज्यादा सिर हिलाने वाली भेड़ों को सबसे आगे रखा जाएगा, सबसे ज्यादा सिर हिलाने वाली भेड़ों को सबसे आगे रखा जाएगा, और दो तरफा सिर हिलाने वाली भेड़ें अपेक्षाकृत ज्यादा चारा खाएंगी। हम दो पैरों पर चलने वाले आंख कान हाथ दिमाग स्वाभिमान सब रखते हैं। हम दो पैरों पर चलने वाले हाथ आंख कान दिमाग स्वाभिमान सब रखते हैं, इसलिए लोकतंत्र को भेड़ तंत्र हरगिज नहीं कहलाने देंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल रैलियों में नारे लगाने में करेंगे और झंडे उठाने में करेंगे। हम शिक्षित हैं अंगूठा लगाएंगे नोटा बटन पर, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे चुपचाप बच निकलने में,
नाम में ही तो सब कुछ रखा है, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। बैठकें करेंगे संसद में, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, कुछ भी करेंगे, मगर लोकतंत्र के नाम को भेड़ तंत्र हरगिज नहीं बनने देंगे। उसके बाद में मेरी अगली रचना है, वो गजल है, वो कुछ इस तरह से है कि इबादते इश्क में तुझसे गुनाह हो गया है, इबादते इश्क में तुझसे गुनाह हो गया है, बेखबर तुझको चाहने वाला तबाह हो गया है। अगला है, सारी हिदायतें मानने लगा है ये आजकल, सारी हिदायतें मानने लगा है ये आजकल, एक तेरे आने से दिल खानकहा हो गया है। खानकहा पीर फकीरों के रहने वाली जो धर्मशाला होती है उसको कहा जाता है। ऊपर वापस से, सारी हिदायतें मानने लगा है ये आजकल, सारी हिदायतें मानने लगा है ये आजकल, एक तेरे आने से दिल खानकहा हो गया है। अगला शेर है, तेरे रूप का चर्चा आसमां तक जोरों पे है, तेरे रूप का चर्चा आसमां तक जोरों पे है, चंद दिनों में चांद का चेहरा शाह हो गया है। तेरे आने की आहट सुनने में खलल पड़ता है, तेरे आने की आहट सुनने में खलल पड़ता है, धड़कना दिल का भी खामखा हो गया है। मेरे मोहल्ले का खिलखिलाता मासूम चौराहा, मेरे मोहल्ले का खिलखिलाता मासूम चौराहा, मजहबी सियासती साजिशों का गवाह हो गया है। इसे कुर्सी की काली करतूत या करिश्मा कहिए, बरसों से सजा याफ्ता मुजरिम बेगुनाह हो गया है। जब से पता चला है अपने ही घर का था मुजरिम, जब से पता चला है अपने ही घर का था मुजरिम, सजाए मौत दिए जाने का शोर बंद हो गया है। मैं आवाज उठाता रहा पुरानी इमारतों के लिए, मैं आवाज उठाता रहा पुरानी इमारतों के लिए, मेरे पड़ोस का खिलखिलाता घर खंडहर हो गया है। मैं पार्क काफिलों के काफिले में भटक सकता नहीं, मैं पार्क काफिलों के काफिले में भटक सकता नहीं, मेरा मांझी गीता कुरान शंख और अजान हो गया है। लाख समझाया दिल को गाफिल मानता नहीं है, लाख समझाया दिल को गाफिल मानता नहीं है, उजड़ने वाली सल्तनत का चैनता हो गया है। धन्यवाद।